नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एडू क्लासेस चैनल पर। आज का ये वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी जो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले अटैम्प्ट दे चुके हैं या फिर बिल्कुल नए हैं और नए नए एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला सवाल बन गया है ये कि क्या इस बार यूजीसी नेट जेआरएफ में निगेटिव मार्किंग होगी। निगेटिव मार्किंग में क्या होता है साथियों, कि हम जो चार क्वेश्चन करते हैं, एक गलत हो गया तो हमारा एक सही चला जाता है। तो साथियों देखिए, आपको पता है ना, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें निगेटिव मार्किंग होती है, तो क्या वहाँ विद्यार्थी नहीं बैठते हैं? बैठते हैं ना। तो आप ये सोच लीजिए कि मुझे जेआरएफ लेना है, कैसे लेना है ये मत सोचिए, ये सोचिए जेआरएफ लेना है। और उसके लिए क्या करना है आपको, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस वाला पीडीएफ वाला जो सिलेबस है, जो 10 इकाई फर्स्ट पेपर में है, जो 10 इकाई सेकंड पेपर में है, उनके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो इधर उधर हो सकता है ना, तो आपको निगेटिव मार्किंग का डर नहीं रखना है। और दूसरी बात, अब निगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो यूजीसी एनटीए नेट की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, तो उस पर अगर ये नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि निगेटिव मार्किंग है तो है, नहीं अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन ऐसा आया ही नहीं है। कोई वीडियो बना दे तो उसकी अलग बात है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप ऐसा मत करिए कि कहीं भी ग्रुप ज्वाइन कर लिया, कोई भी यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लिया, वो आपको परे ले जा रहे हैं, सिलेबस से परे ले जा रहे हैं, वो कुछ भी बता रहे हैं, क्विज में कुछ भी आपको मज़ा आ रहा है बस। तो ऐसा मत करिए, आप अपना सिलेबस रखिए आँखों के सामने। पहले तो सिलेबस को कंठस्थ कर लीजिए कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है। जैसे फर्स्ट पेपर में टीचिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन है, हायर एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, ठीक है, और रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, और जो अभी प्रेजेंट में जो करंट अफेयर है, वो रिलेटेड टीचिंग से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, जो रिसर्च से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, वो उसको तैयार करना। वहीं आपका सेकंड पेपर है, जो 10 यूनिट हैं वो आपको तैयार करनी है। हाँ, इसके लिए आप एक चीज़ दो चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, एक तो PYMCQs को फॉलो कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, और प्रैक्टिस इतना आप ज़रूर करिए। और आपको पता है कि जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अधर मतलब इधर उधर भटकने से अच्छा है आप जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उन पर काम करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप जो है अपना फोकस करिए जेआरएफ पर, आप इधर उधर की बातों पर नहीं। निगेटिव मार्किंग होगी तो भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका लक्ष्य जो है वो है जेआरएफ। ठीक है, तो जेआरएफ के लिए काम करिए। देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है, ऐसा विश्वास करिए। ठीक है, तो अभी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, अभी बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। अगर निगेटिव मार्किंग होगी तो यूट्यूबर है ना, वो आपको सबसे पहले बता देंगे। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है ऐसा कि आप लोगों को भ्रमित करूँ या कुछ भी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगी। आप इसको देखिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और लोगों के साथ। देखिए, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसके माध्यम से एक चीज़ और बता देती हूँ कि दूसरों से पूछने से अच्छा है आप एनटीए नेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके सर्च कर लीजिए, वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ओके, चलिए इस वीडियो में ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अभी तक तो नहीं है, आगे का कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिन पर जो है निगेटिव मार्किंग हो रही है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए कुछ खास लेकर। तब तक आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो भी क्वेश्चन है वहाँ भी आप पूछ सकते हो। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।